ये उन दिनों की बात है। तू जीत गया, तू जीत गया, तूने अपने बाप का सपना साकार कर दिया बेटा, तू जीत गया। दुनिया को दिखा दिया कि राकेश अग्रवाल का बेटा विजेता है। मेरा बेटा विजेता है, देख लो। इनाम में चम्मच कटोरी भी मिल जाए तो हम मिडिल क्लास लोग खुशी से फूले नहीं समाते। और यहाँ तो मेरे पापा को कार इनाम में मिली थी, वो कार जिसका सपना वो न जाने कब से देख रहे थे। मुझे खुशी के साथ साथ गर्व भी हो रहा था, क्योंकि ये कार का सपना समीर के हाथों पूरा हुआ था। मेरा बस चलता ना तो मैं उस चॉकलेट एड की दीवानी की तरह नाचते हुए फील्ड में उतर जाती और समीर से मिलती। मिलना तो था ही समीर से, मिलकर कुछ खास कहने का वक्त जो आ गया था। समीर, उन दिनों की बात हो या आज की, ये तीन मैजिकल वर्ड सुनना हर लड़के को अच्छा लगता है। बस आजकल खुल्लम खुल्ला कह दिया जाता है, और उन दिनों हमें चोरी चोरी कहना होता था। पर चोरी में भी तो मजा था, इंतजार का भी तो एक अपना मजा होता है।
आगे भाई आगे, चलो 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 सब ठीक ना? अरे ओ अनंत बेला, अरे कहाँ हो? सबके साथ बाहर आओ। अरे भाई साहब, भाभी जी कहाँ है? बाहर आइए। ओ भाई, लगता है अर्जुन हार गया, सदमे में आ गए ये, तभी चिल्ला रहे हैं। अरे चुप रहो तुम। अरे आप लोगों ने किसी के सपने को हकीकत में बदलते देखा है? आज मैं दिखाता हूँ सपना हकीकत में कैसे बदलता है। इधर आओ। ये मेरा बेटा, इसने मेरे सपने को पूरा किया है। ये मैच ही नहीं जीता बल्कि मैन ऑफ द मैच ही बना है, और उसके इनाम में मिली है ये नई कार। और अब मैं बेकार नहीं रहा, कार वाला हो गया हूं। अरे जल्दी आओ रे, दौड़ दौड़ के क्या कर रहे हो? चलिए देखो अपने भाई की नई कार। हा? मुबारक हो भाई साहब। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो आनंद। अरे भाई साहब, भाभी जी, आप लोग नीचे नहीं आएंगे? और हाँ भाई साहब, आप जो इस भाई को हमेशा खोटा सिक्का समझते थे ना, वो अब खोटा सिक्का नहीं रहा। और हाँ भाभी जी, और कितने खाली लिफाफे भरने हैं बता दीजिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, कार के साथ साथ बहुत सारी धनराशि भी मिली है। क्या हुआ, आप लोग छज्जे पे खड़े खड़े देखते रहेंगे क्या? नीचे आइए, अपने भाई की कार में बैठिए। क्या भाभी जी, वैसे तो घर में एक पुरानी साइकिल आती है तो आरती उतारते नहीं थकती, आज नई कार आई है, उसकी आरती नहीं उतारेंगी? ओ भाई, आरती तो क्या, मेरा तो दिल कर रहा है कि इस कार पे नारियल फोड़ दूं आकर। क्या कहा? मेरा मतलब कार के सामने नारियल फोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, नीचे नहीं आ सकती, घुटनों में बहुत दर्द है। अरे घुटनों का तो पता नहीं, पर किसी के दिल में जरूर दर्द हो रहा है आज। क्या मतलब? ज्यादा उड़ो मत, वैसे बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए ना तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए बिल्ली को, समझे? ये अर्जुन की मेहनत की कार है, आपकी मेहनत की कार नहीं है। अच्छा, अर्जुन के साथ आप मेहनत करने जाती थी? साड़ी पहन के आप मैदान पे दौड़ती थी उसके साथ? अरे मैंने दिन रात एक किया है ताकि इस लायक बन सके कि वो कार जीते। आई है बड़ी बात करने। भाई साहब जाने दीजिए ना। अरे कैसे जाने दूं आनंद, देख नहीं रहे हो नई कार आई है, खुश होना चाहिए, आरती उतारना चाहिए, आज भी ताने सुनाने में लगी हुई है। ओ भाई, वो कहावत सुनिए ना, सफेद हाथी खरीदना बहुत आसान है लेकिन उसे पालना बहुत मुश्किल है। कार तो आ गई, कार क्या पानी से चलाओगे, पेट्रोल खरीदना पड़ेगा और उसके लिए पैसे चाहिए। बातें करते हैं। अरे छोड़ो ना, इनकी बकबक तो चलती रहेगी, चलो गाड़ी में बैठो। भाई साहब गाड़ी में बैठ जाएंगे, पहले गाड़ी की आरती तो कर लें। हाँ उतारो ना आरती, तुम उतारो। हाँ मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। नाना जी, नाना जी आपको पता है अर्जुन आज मैच जीत गया, और तो और उसको मैन ऑफ द मैच का इनाम भी मिला है। अरे बेटा अर्जुन तो सिर्फ मैन ऑफ द मैच बना है, पर मेरा समीर ने सबका दिल जीत लिया, खास करके नैना का दिल। आपको कैसे पता? अरे नाना हूं मैं तेरा, उससे जुड़ी हर खबर पर नजर है मेरी। एक बात कहूं, नैना के प्यार ने ना तुझे एक समझदार एक जिम्मेदार लड़का बना दिया है, और ये बात मुझे तेरी माँ को बतानी पड़ेगी। नहीं नाना जी, मेरे और नैना के बारे में मम्मी को मत बताइए। नहीं बेटा नैना के बारे में नहीं, मैं तो तेरे बारे में तेरी माँ से बात करना चाहता था।
उसे ये कहना चाहता था कि उसके समीर ने अपने नाना का सीना जो है गर्व से चढ़ा कर दिया। तू बैठ, मैं फोन लगाता हूँ। बैठ बैठ बैठ। झूठ ना बुलाए भाई साहब, हम इस कार में बैठ के कहीं बाहर घूम के आए। मतलब अगर आपको ठीक लगे तो। दिमाग खराब हो गया क्या? अरे घर वालों के लिए गाड़ी ली है, बाहर वालों के लिए थोड़ी। चल 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 चल, बैठो सब लोग, चलो 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 आनंद। ए क्या हो रहा है? हाँ पापा, ये भी तो मेरे, ये घर वालों के लिए गाड़ी है, कोई सरकारी बस नहीं है कि कोई भी बैठ जाए। पहले इसमें हमारा परिवार बैठेगा, उसके बाद कोई बाहर वाला, और पता नहीं बाहर वालों का नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो क्या हुआ, क्या देख रहा है? चलो बैठो। नहीं पापा, रहने दीजिए, वैसे भी मैं गाड़ी में बैठकर ही तो आया हूँ। प्रीति तू घूमा, चलो प्रीति। प्रीति एक काम करें, इस गाड़ी से ना हम लोग बहुत दूर चलते हैं। हाँ? अरे वो शहर के बाहर रज्जो ढाबा है ना, वहाँ चलते हैं। अब नई कार है, पार्टी तो होनी चाहिए ना। हाँ मम्मी, कहीं दूर नहीं जाएंगे, यहीं आसपास एक दो चक्कर लगा के चले आएंगे। पता भी है पेट्रोल की कीमत 12.35 रुपए से लेकर 14.65 रुपए होने वाले हैं, सब पता किया मैंने। दूर जाएंगे, चलो आनंद चलते हैं। हाँ विशाखा, मैं सही कह रहा हूं, आज मुझे ना अपने समीर पे बहुत गर्व हो रहा है। उसने अपनी सदा को अपना बड़ समझ के निभाया है और उसमें सफल रहा है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आई हों, उसने मेरा और महेश्वरी परिवार का नाम छूने नहीं दिया। अरे बहुत जिम्मेदार हो गया है हमारा समीर। सच? हाँ बेटा। और अब समीर कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा अपने नाना के साथ। समीर ने साबित कर दिया कि मेरी परवरिश बिल्कुल सही थी। उस दिन जिंदगी मुकम्मल सी लग रही थी, कंप्लीट। भाई जैसे दोस्त थे, नाना जी मुझसे खुश थे, नैना मेरी जिंदगी में आ चुकी थी, सब कुछ इतना अच्छा और इतना परफेक्ट था। लेकिन मैं ये भूल गया था कि कुछ भी कभी भी इतना परफेक्ट रहता नहीं है। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ, उसे बात करो। जी। ले बेटा माँ से बात कर। हेलो समीर, मैं शायद पहली ऐसी माँ होंगी जो इस बात से खुश हो रही है कि उसका बेटा उसके पास दिल्ली नहीं आ रहा है, क्योंकि दिल्ली आना तुम्हारी हार होती और मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकती। बेटा मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब तो एक जिम्मेदार इंसान बन गया है। ले अपने पापा से बात कर। समीर ने अपनी सजा पूरी कर ली है, वो भी बिना किसी शिकायत के। पापा बता रहे थे कि अब वो बहुत ही जिम्मेदार बन गया, अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभा रहा है। अब उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो पापा के साथ ही रहेगा अहमदाबाद में। नीचे बात कीजिए उससे। समीर, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी जिम्मेदारी से जी रहे हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये जिम्मेदारी की जिंदगी थोड़े दिन ही ना चले, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं। मायरों पहले उम्मीद जगाने में और फिर उसे तोड़ने में। फिर से मत बिगड़ जाना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.